हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा, मैं क्रिएट करने वाली हूँ वेट एंड वाइल्ड मेकअप ट्यूटोरियल। वेट एंड वाइल्ड एक ड्रग स्टोर ब्रांड है और इसके प्रोडक्ट्स काफी अफोर्डेबल हैं, लेकिन काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स मेरे बहुत ही फेवरेट हैं, जिन्हें मैं बहुत लंबे टाइम से यूज कर रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आज आपके साथ एक वेट एंड वाइल्ड मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूँ। सो गाइज, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। पर उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए। प्लीज गाइज, इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, दीज आर ऑल माई वेट एंड वाइल्ड प्रोडक्ट्स। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करूंगी और उसके बाद मैं यूज करूंगी वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस कंसीलर। शेड्स एंड ऑल दैट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंसीलर है और काफी अच्छी कवरेज भी देता है, बट इसका शेड मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्कर है, इसे मैं अपने फिंगर से ही ब्लेंड करूंगी। आजकल ह्यूमिड वेदर की वजह से मुझे बहुत ज्यादा एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है। और नेक्स्ट मैं यूज करूंगी वेट एंड वेल का फोटो फोकस फाउंडेशन। ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, अफोर्डेबल भी है और साथ में बहुत ही अच्छे कवरेज भी देता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इस फाउंडेशन को जरूर परचेज करें, बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है। बट मेरी स्किन क्योंकि ड्राई है तो मैं इसे मिक्स करूंगी अपने फेशियल ऑयल के साथ और फिर इसे अपने फेस पर अप्लाई करूंगी। और क्योंकि ये मैट फाउंडेशन है और मैं आज क्रिएट करने वाली हूँ एक ड्यूई फाउंडेशन लुक, तो इसमें मैं मिक्स करूंगी वेट एंड वाइल्ड का लिक्विड हाइलाइटर। इन दोनों को मिक्स करके मैं एक ड्यूई फिनिश क्रिएट करूंगी। आई होप ये काफी अच्छा वर्क करेगा। सबसे पहले मैं फाउंडेशन अपने हाथ पे ले लूंगी और इसी में मैं यूज करूंगी मेरा पैक का ऑयल प्राइमर। अगर आपकी स्किन ड्राई है फ्रेंड्स तो ये प्राइमर जरूर परचेज कीजिए, बहुत ही अच्छा है। इसमें दो ड्रॉप्स ऐड करूंगी एंड आई एम गोना मिक्स ऑल दीज। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर आप कोई फाउंडेशन परचेज करते हैं जो कि आपके स्किन के अकॉर्डिंग नहीं है, आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं, डार्क से लाइट कर सकते हैं, उसकी फिनिश भी चेंज कर सकते हैं। मैंने अपने हाथ को काफी मैसी कर लिया है बट ये मिक्स हो गया है अच्छे से और अब मैं इसे अपने फेस पर फिंगर से डैब डैब कर लूंगी। ये फाउंडेशन थोड़ा ऑक्सीडाइज भी होता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप स्टोर पर, नाइका के स्टोर पर जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। और अब मैं इसे ब्लेंड करूंगी मेरे वाईवीपी की स्पंज से। थोड़ी और कवरेज के लिए मैं अपने एक्ने स्कार्स के पास थोड़ा सा फाउंडेशन और लगाऊंगी। एक बार में ही ज्यादा प्रोडक्ट लेकर ब्लेंड करने के बजाय आप थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट ही बिल्डअप करें। अपने फेस को सेट करूंगी मैं अपनी कॉन्टोर किट यूज करूंगी। अगर आपको वेट एंड वाइल्ड का कोई भी एक प्रोडक्ट परचेज करना है तो आप ये परचेज कीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा कॉन्टूर किट है, 500 रुपीस का है अराउंड और आपको डिस्काउंट में इजीली 300-350 का मिल जाता है। आपके दो पर्पस सॉल्व होते हैं, एक आपको कॉन्टूर शेड मिल जाता है और ये हाइलाइटिंग शेड तो बहुत ही अच्छा है, ये पाउडर बहुत ही अच्छे से मिल्ड है
और अंडर आई एरिया को बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है। टी जोन एरिया को भी करूंगी। अपने बाकी फेस को मैं पाउडर से इसलिए सेट नहीं कर रही हूँ ताकि ये ड्यूई फिनिश मेंटेन रहे। आईब्रोज के लिए मैं यूज करूंगी मेरी वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो पेंसिल। इसकी साइज से ही देखकर आप गेस कर सकते हैं कि मुझे ये कितनी पसंद है, और फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने इस ट्यूटोरियल के लिए इसे सेव करके रखा है। काफी अच्छा पिगमेंटेशन है इसका, सेट कर देता है आपकी आईब्रोज को। और अब मैं यूज करूंगी मेरे वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट। मेरे पास वेट एंड वाइल्ड की दो आई शेडो पैलेट्स हैं। वैसे तो वेट एंड वाइल्ड का जो फेमस पैलेट है, जो कि बहुत सारे ब्लॉगर्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, वो है रोज इन दी एयर। बट मुझे पर्सनली कंफर्ट जोन पैलेट ज्यादा पसंद है। इसकी कलर स्कीम मुझे ज्यादा पसंद है। इसके जो शिमरी कलर्स हैं काफी अच्छे हैं, और इस पैलेट के मैट शेड्स बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा किकबैक देते हैं बट ब्लेंड अच्छे से हो जाते हैं। सो मैं आज इन्हीं दोनों पैलेट्स को यूज करके आई लुक क्रिएट करूंगी। सबसे पहले मैं कंफर्ट जोन पैलेट यूज करूंगी, और ये मेरा मॉर्फी का ब्रश है M441, और इसमें से मैं ये पीच ट्रांजिशन कलर ले रही हूँ। और अब एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं इसी कलर को अपनी लोअर लैश लाइन पर भी लगाऊंगी। और अब सेकंड पैलेट रोजे इन द एयर में से मैं ये रस्ट ऑरेंज कलर ले रही हूँ, और इसे अपने क्रीज में ब्लेंड करूंगी इस ट्रांजिशन कलर से थोड़ा सा नीचे। और अब एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लेकर मैं इन दोनों कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी ताकि कोई हार्श लाइंस नहीं रहे। इसी ऑरेंज शेड को मैं नीचे लोअर लैश लाइन पर भी लगाऊंगी, और इसके लिए मैं एक फ्लैट ब्रश यूज कर रही हूँ। और अब मैं अपनी क्रीज को कट करूंगी। करूंगी ये वाला शिमर गोल्डन कलर, बहुत ही अच्छा कलर है ये भी, और इसकी पिगमेंटेशन भी काफी अच्छी है। इस कलर को मैं यूज करूंगी अपने आईज के इनर पार्ट में। और उसके बाद सेकंड पैलेट में से मैं यूज करूंगी ये वाला ग्रीन शेड। ये भी बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है, और इसे मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से ही अप्लाई करूंगी। ब्लेंड कर दूंगी इस तरीके से। आउटर कॉर्नर्स पर थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट करने के लिए मैं इस पैलेट में से ये डार्क ग्रीन कलर ले रही हूँ। इसे मैं अपने आउटर कॉर्नर्स में ब्लेंड करूंगी। इफेक्ट। और ये मैंने एक टीनी माइनी सा ब्रश लिया है, और इस पर जो क्रीज कलर लिया था उसे ले रही हूँ, और थोड़ा सा अपने क्रीज को और इंटेंसिफाई करूंगी। और नेक्स्ट इस डार्क ग्रीन कलर को मैं अपने लोअर लैश लाइन में बिल्कुल लैश लाइन के पास पैक करूंगी।
और अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए मैं ये लाइट शेड ले रही हूँ। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का कोल पेंसिल और मैं इसे अपनी लोअर लैश लाइन और अपर लैश लाइन पर लगाऊंगी। इसी पेंसिल से मैं एक स्मज लाइनर क्रिएट करूंगी अपनी अपर लैश लाइन पर भी। पेंसिल ब्रश से इसे स्मज कर रही हूँ। सो गाइस अब मैं क्विकली अपनी अदर आई भी कंप्लीट कर लेती हूँ। सो गाइस अब मैं अपने लैशेस को कर्ल करूंगी। गाइस आई नो कि ये वन बैंड ट्यूटोरियल है बट क्योंकि मेरे पास वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा नहीं है इसलिए आज मैं यूज करूंगी मेबलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा। अपने फेस को मैं कंटूर करूंगी। और ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का ब्लश। तो मैं क्विकली अपने फेस को सेट कर लूंगी। ये वेट एंड वाइल्ड का सेटिंग स्प्रे है और हाइलाइटर के लिए मैं यूज करूंगी ये वेट एंड वाइल्ड का प्रेशियस पेटल। लिपस्टिक के लिए मैं यूज करूंगी ये वेट एंड वाइल्ड की कैटसूट लिक्विड लिपस्टिक और इसका शेड है गिव मी मोका। सो गाइस मैंने अपने पैक आईलैशेस अप्लाई कर लिए हैं। आई एम सॉरी फॉर द पैकेजिंग, आई यूज इट सेवरल टाइम्स बट ये अभी भी काफी इंटैक्ट है और इनका कर्व भी बिल्कुल मेंटेन है। बहुत ही अच्छे आईलैशेस हैं। अगर आप बिगिनर हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं तो आप इन लैशेस में इन्वेस्ट कीजिए। बहुत ही अच्छे आईलैशेस हैं ये। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन प्रोडक्ट्स के रिव्यूज आपके लिए थोड़े से भी हेल्पफुल रहे होंगे। प्लीज मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगर आप इसी तरह के और मेकअप ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए। सो गाइस मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।